हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है होम रेमेडी, जो कि हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करती है, नरिशमेंट का काम करती है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे एज बढ़ती है, 30+ में आके जनरली जो बालों की ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से हम लोग जो है बालों के बढ़ने की स्पीड को हम वापिस से दोगुना कर सकते हैं। तो आइए आज हम देख लेते हैं कि वो क्या है होम रेमेडी या ब्यूटी टिप, जो भी आप इसे कहना चाहें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैं अपना जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लूँगी वो है ये देखिए, आंवला शिकाकाई पाउडर। तो सबसे पहले ले लिया आंवला शिकाकाई पाउडर, ये देखिए फ्रेंड्स, आंवला शिकाकाई पाउडर। फिर आ गया है हमारी सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बारीक पीस के मुल्तानी मिट्टी को उसका यूज़ करेंगे। फिर जो हमारा जो इसके अंदर इस रेमेडी के अंदर हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट आ गया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आ गया है फ्रेंड्स हमारा दही। तो ये देख लीजिए, ये अच्छे से मिक्स किया हुआ दही है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हेयर पैक आपको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये जो है दही, ये 2 से 3 दिन पुराना है, मतलब खट्टा दही जैसे कहते हैं, तो वो है फ्रेंड्स। फिर इसके अंदर हम ये जो मुल्तानी मिट्टी हमने ली है तो इसे डाल देंगे। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बस खाली दही के अंदर मुल्तानी मिट्टी और ये जो हमारा आंवला शिकाकाई पाउडर है उसे लेके मिक्स इट वेल। यू हैव टू मिक्स इट वेल, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, ना ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा पतला। तो ये जनरली जैसे कि हम हेयर पैक लगाते हैं तो उस टाइप से इसको बनाना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस टाइप का एक थिक पेस्ट बन गया। तो इसे अच्छे से बालों की जड़ों में अप्लाई करना है। इसे 2-4 मिनट के लिए हमें इसी तरह छोड़ देना है। फिर जब मुल्तानी मिट्टी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी फ्रेंड्स, तो हमें इसे बालों में पतले पतले स्ट्रैंड्स लेके बालों के पतले पतले स्ट्रैंड्स लेके इसको हमें इस तरह से स्ट्रैंड्स लेके अपने बालों के, और उनको इस पेस्ट को इक्वली अप्लाई करना है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद इसको बालों के अंदर 10 से 15 मिनट छोड़ देना, एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉश योर हेयर। और उसके बाद इसके साथ साथ आपको शैम्पू नहीं करना है, बल्कि शैम्पू आप करेंगे अगले दिन। आप चाहें तो इसे करने के बाद अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं बालों में, और वैसे भी आप जब भी शैम्पू करना चाहें फ्रेंड्स, तो पहले बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लेने से बालों को नरिशमेंट मिल जाता है। बालों के स्कैल्प के अंदर अच्छे से आप ऑयलिंग करते हैं तो आपके बालों की जड़ों को बहुत अच्छा नरिशमेंट होता है वो आपके बालों की जड़ों के लिए। तो यही थी मेरी आज की होम रेमेडी फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।